अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब? खरीत से उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइज़, आज के व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हूँ। जनरल क्लीनिंग जो हमने शुरू की हुई है, उसमें जो पहला हमारा इनिशिएटिव था कि हमने जो कचरा वगैरह था वो उठवाना था। कचरा उठवाने के बाद क्यारियाँ बनवाई हैं। क्यारियाँ बनाने के बाद फिर माली के साथ मेरा टाइम बना हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि आप ले आए जो भी लगवाना। मैं कोरियन ग्रास लेके आया था। ये जब इसके ऊपर वॉक वगैरह करते हैं तो ये बहुत नरम एक पाँव को एहसास देता है, एक अच्छी किस्म है। अक्सर घरों में लोग जो अपने लॉन होते हैं कोरियन ग्रास ही इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ करवाई है, रैंप बनवा ली है, माली हमारे लगे हुए हैं, बनाए जा रहे हैं माशाल्लाह। एक मेरे ज़ाती तौर पर मुझे ये चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, आँखों को बहुत भली लगती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है जी, खैरियत है सर? भी आज बड़े बड़े काम करवाए जा रहे हैं, क्या है जी? ईद आने वाली है। अच्छा, इतनी ईद की तैयारी? ये तो नीचे से बजरी निकल आई है सर, ये खतरनाक है काम। इससे नीचे नहीं? हाँ जी, ये बस ऊपर, ये इसको इससे नीचे नहीं। अच्छा, तो वैसे चाहिए था कि यहाँ आप कोई दो, ये इन्होंने पौधा ये 10-20 दिन चलने वाला, जब दूसरा लगेगा ना वो ज़रा गहरा कर देगा। मैं कहता हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी मिट्टी आप उठवा लें। हाँ, ये उठवा लें, मिट्टी दूसरी डलवा लें, क्योंकि अगर ये 10-20 दिन भी चलने, इन्होंने ग्रोथ ही नहीं करनी, पकड़ना ही नहीं। के नीचे से बिल्कुल बजरी निकल गई। अच्छा जी, वो आगे वाली साइड भी आपकी होगी सारो? जी लगाती है, माशाल्लाह सिर्फ वो ही रहेगी। अच्छा, ये घास इन्होंने बिल्कुल धूप में रखती है, धूप में खतरनाक होता है। दिमाग अंदर माड़ी जी करके तेरा ना कभी प्लाट सीधा कर दे, मैं अंदर जाना, अंदर लो करके तो बड़ी फट्टी मार के सीधा कर दे। सही चले, ठीक है सर भी, माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। ये हमारे हम साए हैं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या हाल है जी सर साहब? अहमद भाई वो ना दो कड़ाइए उतो कढ़ लो, तो दो कड़ाइए उस मिट्टी पे पवा लो भाई, आराम से सानू कह दो, तुहानू कर दूंगा। सर भी ये थोड़ा सा बताएं भी, आप क्या कर रहे हैं? ये क्या किया आपने गोल दायरा? ये सर ये जो पौधे लेके आए जी, जी जी जी। अच्छा, 3 फुट दायरे में? जी, 3 फुट से भी ज्यादा है। अच्छा, ये अच्छे लगेंगे फिर? ये देख रहे हैं, ये आप गोल दायरा तैयार हो गया। हाँ जी, इन्होंने इधर लगा रहे हैं पूरी लाइन। अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे हैं सर भी, आपकी जहानत कमाल है वैसे, माशाल्लाह। सोच आपकी अच्छी है। ये कैसे आपको आइडिया आ जाते हैं ये वाले? अच्छा जी, क्या बात है। ये अहमद भाई भी आपके दोस्त हैं? बस ऐसे ही सर, अभी दोस्त नहीं है तो बन जाएंगे। अच्छा, बन जाएंगे, बात करें ना। हाँ जी अहमद भाई, अहमद भाई ये वाली जो वीडियो बन रही है आपकी, ये यूट्यूब पे जाएगी, ये मैंने देखा यार है। और ये आपको पूरी दुनिया में लोग देखेंगे। इधर देखें जरा, बड़ा हेड माली है। हाँ, ये हमारे हेड माली है। ऐसी वैसी बात नहीं करते। हाँ, अहमद भाई यदि ना कोई अच्छी जी वंड कढ़ा जी यार, जरा सोहना करके लाया जी। हाँ, कलर भी जेड़ा तुसी कंबीनेशन है ना, वो सोहना करके बनाया जी यार। वाइट ब्लू। अहमद भाई किन्नी देर ए चल जाता है फुल? ए तो वैसे मौसम बहार दा ही है, 2 महीने। चलो 2 महीने जी यार, वो अहमद भाई ना फिर पंजाबी जी गल जरा कंफर्ट फील करनगे। कौन जी? वो ये
आपके सामने बैठा। अच्छा मास्टर ये है? ये गुलाई बनाने का मास्टर है। अच्छा जी, हेडमास्टर। अच्छा, और इनका भैया आपने वक्फा एक जैसा रखना है, आपस में इनका वक्फा जो एक जैसा रखना है, ठीक है? ये जितनी स्पेस रखी है ना उसकी भी इतनी है, ठीक है? कायदे से लगे हूँ, कानून से, उसकी मुझे स्पेस थोड़ी सी कम लग रही है आपस में। ये जी अब्दुस्तार साहब, सर भी क्या कर रहे हैं? हाँ जी, अपने घरों में, ठीक है। चलें अब मुझे चेक करवाएं कौन सा काम आप कर रहे हैं, सफाई वगैरह जी? जी ठीक हो गए, दो लाइन इधर पर सही, ठीक हो गए। हाँ जी, चलें ऊपर दिखा दे सफाई। चलें आप आगे लगे, ऊपर क्या मतलब मुझे समझ आ जाएगा। लो अच्छा, यहाँ पे प्लास्टर चल रहा है, ठीक है भाई। माना था, और साथ में लड़का है इधर भी, इधर यूसुफ सलाहुद्दीन, साथ कौन है? इधर 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 कहेगा। अच्छा यहाँ पे आसफ साहब लगे हुए हैं चुपके चुपके से। हाँ जी आसफ साहब, क्या हाल है जी? ठीक है, आए नहीं थे कल आप लोग? हाँ जी, आप और मुस्तफ़ा आए नहीं? मुस्तफ़ा पता नहीं यार किधर चला गया। अच्छा चलो, वो लड़के को कहता था ना जीशान को, वो खुद ही समेट लेता सारा सामान। सर भी मकान भी हमारे माशाल्लाह ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। क्या बात है सर भी, आपकी ममटी बहुत बढ़िया यार। मैं आप यकीन करें सर भाई, हमने एक घर बनाया था 2017 में, आपने ही बनाया था। उसकी जो बाउंड्री थी ममटी की, ये थी ये सर भी। इससे ज़्यादा हम क्लाइंट से या अपने कर्म फरमाओं से क्या मोहब्बत करें, इससे ज़्यादा आप बताएं। मेरा ख्याल है इधर तब्दील से चारपाई, अगर वो बिछाना जाए ना बिछा, तीन चारपाई इधर आराम से आराम से लग सकती है। और सर भी जो गंदम स्टोर करने वाला होता है वो भी आराम से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? आपकी इजाफी चीज़ें स्टोर ये वो सारी चीज़ें इधर आ सकती हैं। ये है हमारी मोहब्बत, हमारी कमिटमेंट अपने काम के साथ। यहाँ पे हम आपको एक बेहतरीन खिड़की लगा के देंगे एलुमिनियम की, जो बाहर से एक अच्छा व्यू पेश करेगी और अंदर का एटमॉस्फेयर जो है उसको अच्छा रखेगी, आबो हवा अच्छी रहेगी। अच्छा माशाल्लाह, ये हमारी क्लीनिंग का अमल शुरू है। छतें हमने नीट एंड क्लीन करनी है, करवाई जा रहे हैं। आखिर में सर भी कहेंगे अपने लड़कों को झाड़ू वगैरह लगा के बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा करेंगे। ये बजरी हमने समेट ली थी, ये आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अच्छा सर भी मुझे दिखाने क्या लाए हैं? ये घर साफ कर दिया है। कहाँ से हुआ? आज है घर दिखाते। वाह जी वाह, अच्छा सरप्राइज देते होते माशाल्लाह। अच्छा ये भी सही किया है, बजाय इसको नीचे फेंकने के ही हमारे काम आएगा। हाँ जी ये हमारे काम आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये इधर रख, बिल्कुल ठीक है। कोई भी हमारे पैरों में आएगी इधर, उनको ये चीजें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सही है, ठीक है सर, सही है, सब चीजें सफाई करते, बिल्कुल सही, बेहतरीन। ऐसे ही वो दूसरा पहले वाला करते हो, वो भी हो गया। अच्छा वो भी साफ हो गया। हाँ। ये भी माशाल्लाह हमारा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हो गया। गैस ये वाला हमारा इस कॉर्नर वाले घर का बड़ा रूम है, इसकी जो लंबाई है वो 17 फुट है और इसकी जो चढ़ाई है 12 है, 11 है माशाल्लाह। इसमें सार भी ज़रा उधर खड़े होके बेड की स्पेस बताएं, यहाँ से लेके 6 फुट तकरीबन। अच्छा और इधर आ जाएं,
आगे आ जाओ, दो बेड लगते हैं जी यहाँ पे बड़े साइज के जी। और अगर आप एक नहीं लगना हर एक बेड ही है, वैसे हम आपको फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, आप एक बेड लगाएं उसके बाद आपका पूरा 6 सीटर सोफा आता है। बिल्कुल आता है सर में, बिल्कुल आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके LED का पॉइंट भी है, वो यहाँ पे दिया गया है, ये भी बेहतरीन हो गया। ठीक है सर, चलें। जी बेहतरीन साहब जी, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और अच्छा करने की। ये मेरा आखिरी रैंप है जी। हाँ जी, इसके कार के अंदर भी थोड़ी बहुत सफाई करने वाली है। अच्छा, उसको मतलब बोलता अच्छा। हूँ जी, ठीक है सर, ठीक बिल्कुल ठीक सतारवी। ये भी हमारा ग्रास वाला अमल हो गया मुकम्मल माशाल्लाह। इसको सतारवी कोशिश करनी है 2 टाइम पानी लगे, मैं भी इधर हूँ, मसला नहीं है। अगर आप लोगों के पास टाइम ना अवेलेबल हुआ तो मैं तो कहूँगा टाइम इसको, यानी छुट्टियों में भी ज़ाहिर पानी लगेगा, मैं खुद ही लगाऊंगा, लेकिन अभी जब हमारे लड़के काम कर रहे हों 2 दफ़ा इसको पानी लगा दें, 3 दफ़ा पानी लगा दें, लेकिन शावर की तरह जी। मेरे प्यारे सितार भाई, वालेकुम सलाम। सर की हाल जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सितार भाई सुनाए जी, शुक्र। क्या माशाल्लाह प्रोग्रेस रही आज की? सर देखे, ये घास वगैरह लगवा दी है। अच्छा, ये सफाई वगैरह भी करवा दी है। अच्छा, जितना भी छोटा मोटा काम रहता था जी वो भी करवा दी है। अच्छा, देखिए हमारी 2-4 दिन छुट्टी हो गई जी, हमारी थी। अच्छा, ये भी आपने बनवा दी है? ये बंद करवा दी है अब। शुक्रिया, ठीक है। प्लस्तर रह गया? प्लस्तर। सितार भाई ये बड़ा शानदार काम किया, ये जरा रैपर का मेहरबानी करके उठाएंगे सर भाई, मेहरबानी आपकी। इसके अंदर एक अभी एक और अपने पौधा लगाना है। अच्छा, वो कम हो गया था? कम था। ठीक है, अच्छा सर, माशाल्लाह। ये दरमियान के अंदर लगा हुआ है जी, इस तरह उसके अंदर दरमियान में भी लगाना। अच्छा चले, कोई बात नहीं। एक और काम किया हमने जी, पहले हमारे घर में लाइट नहीं थी जी, ये हमने लाइट का इंतजाम कर लिया हमने, तार जो है वो केबल पक्की पक्की लगा दी। पहले ही मौजूद थी जी, वही हमने तार हमने बनवाई हुई है पहले। उसके बाद सर भी हमने कुछ सड़क पे भी कुछ किया, ये भी बताएं। बिल्कुल देखें, ये तो आपको मालूम होगा कि सफाई नजर आ रही है, नीट एंड क्लीन कर दी है सड़क। दबाओ तरास चापर गुजरने वाले, ये ना कहें देखिए ये काम सर भाई, ये बहुत बड़ा काम होता है सर भाई, सफाई निस्फ ईमान होती है, ऐसे नहीं है निस्फ ईमान सर। अच्छा जी, उसके बाद ये भी देख ले, ये रैंप भी बन गया, रैंप बन गया जी, ये भी हो गया जी। कल ये थोड़ा बहुत काम इधर रहता ऊपर। हाँ जी, ये करवाने के बाद इधर ये लॉन भी आपका बन गया जी। सर हमारा बाहर वाला जो काम था वो वाला मुझे तकरीबन ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह, आपकी लेबर को छुट्टी हो गई है? हाँ, कल हमने इधर इधर है, इधर आपको छुट्टी नहीं है जी। सर भी आप बाइक पे आए थे, याद रखना। कौन सी चाबी? उनका कौन सा मकान? अच्छा सर भाई, ज़रा इधर आ जाए। माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल बन गया जी, वाला काम करवा दूँ जी। कौन सा? वो आगे थोड़ी सी सफाई करने वाली रहती है ना जी, वो कल करवा दूँ। चले, कल आपका लास्ट डे है यहाँ पे इधर? हाँ, फिर इंशाल्लाह आप सैटरडे को आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, कोई चीज़ ऐसी रह ना गई हो याद से? तो कुछ नहीं लग रहा है। अली भाई जी, कल इंशाल्लाह ना जी, उन्होंने वो तार ऊपर से वो उनको सरकारी तौर पे लगाई हुई है। हाँ जी, इनके टोन की। हाँ जी, हम कोशिश करें कि तार का सिस्टम उनकी तरफ से हो जाए, जैसे ये टोन की लाइटें चलती हैं जी उनके साथ ये मैच हो जाए। ठीक है सर,
चलें ठीक है सर, भी इजाज़त लेते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।